लगभग 4 महीने पहले अपने परिवार से बिछड़े बच्चों को आज जिला बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी ने उनके परिजनों को सौंप दिया है। अपने बच्चों से मिलकर उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। बता दें कि ये बच्चे क्राइम ब्रांच के ASI राजेश कुमार को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर मिले थे, जिन्हें राजेश ने अंबाला के नारायणगढ़ के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वे उन बच्चों से बार बार उनके घर का पता पूछते रहे, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़कर सब कुछ भूल चुके थे। राजेश ने बताया कि काफी मेहनत करने के बाद बच्चों ने अपने घर का आधा अधूरा पता बताया था, जिस पर कड़ी मेहनत पुलिस ने की और आखिरकार उनके परिजनों को ढूंढ निकाला। स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल से और मेरे साथ एससी भूपेंद्र सिंह है। हम जो ये कार्य कर रहे हैं, बच्चों को बिछड़े को मिलाने काम कर रहे हैं, हम अपने DGP श्री PK अग्रवाल के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे को कोई 2 महीने से कोई 3 महीने से लावारिस अवस्था में रेलवे स्टेशन अंबाला पर मिले थे। जो ये बच्चों को CCI में है, जो राधा कृष्ण बाल आश्रम नारायणगढ़ में रखा गया था, और हमारे को CWC से आदेश मिला था कि इन बच्चों को परिवार की तलाश की जाए, तो 17 तारीख को मैंने इन बच्चों की काउंसलिंग की। काउंसलिंग के सामने 2 बच्चे हैं, जो एक है सचिन और दूसरा बच्चा है पवन, इनका हल्द्वानी से मिला। तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं कृपाल जी, उनसे बात करके परिवार को वहाँ तलाश किया गया और वो आज इनको लेने के लिए आए हैं। जो तीसरा बच्चा है विशाल, पापा का नाम मनोज, वो है बच्चा काशीपुर का, तो वहाँ काशीपुर में भी संपर्क किया गया, वो भी उस बच्चे को आज परिवार से लेने के लिए आए हैं। एक बच्चा 2.5 महीने से लापता था, वो बच्चा बार बार काउंसलिंग में पानीपत बता पा रहा था और उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो उस बच्चे से दोबारा काउंसलिंग बार बार करने पर उसका बच्चे का जो है वो एड्रेस है जो वो हल्द्वानी का मिला। वहां पर उससे बात करने के बाद बार बार वो बच्चा अपना चेंज कर रहा था, तो उस बच्चे को फिर हमने उसके बाद UP में जो एरिया बता रहा था उसको ट्रेस किया, एक पुलिस स्टेशन का नाम बताया उसने, उसको ट्रेस गांव के आधार पर उसको ट्रेस करने के बाद हमने उस बच्चे को परिवार, बच्चा है यूपी का निकला, यूपी में उसका जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में उसका गाँव है, और गाँव में फिर उसका जो पापा है वो पानीपत में एक धागा फैक्ट्री में काम करता है, उसके पापा तक हम पहुंचे। पापा को आज हमने बुलाया है और CWC अंबाला शहर के आदेश से बच्चों को परिवार के हवाले किया जाएगा। और हमें सूचना मिली जो यहाँ ASI राजेश कुमार जी हैं AS2 में, उन्होंने बताया कि भाई बच्चे 3 बच्चे हैं उत्तराखंड के हैं, और जो है पवन और मतलब 2 भाई हैं और एक अलग है, एक काशीपुर का है एक हल्द्वानी का है। जो हल्द्वानी वाला है वो उत्तर प्रदेश में जो रामपुर है जगह मतलब जिला जो वहाँ का है, तो हमने इनके माँ बाप को सूचित किया और सूचित करने के बाद में हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर जो आप सभी लोग हैं इनसे हमारी बात हुई, फिर इनके माँ बाप को मिलवाया, बच्चे भी थोड़े नर्वस हुए और माँ बाप भी नर्वस हुए वहाँ पर जो है ना। तो हमारा एक ऑपरेशन भी चल रहा है हमारे DGP साहब का, ऑपरेशन इस्माइल बच्चों का ना, और ऑपरेशन सिनाक, उसके तहत हम काम भी कर रहे हैं। 2 महीने का हमारा ऑपरेशन है, ये जो है 30 जनवरी में हमारा ऑपरेशन जो है खत्म हो जाएगा, और उसी के तहत हम यहाँ पर आए। बच्चों की काउंसलिंग करने पहुंची CWC सदस्य रेखा शर्मा ने बताया कि ये चारों बच्चे उत्तराखंड के अलग अलग जगह से हैं, जो रेलवे स्टेशन पर पुलिस को मिले थे और अपने घरों से भागकर यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि ये बच्चे घर से इसलिए भागे थे क्योंकि बच्चों के माँ बाप इन्हें मारते थे। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के परिजन आज आ गए हैं और उन्हें समझाकर उन्हें घर भेज दिया गया है। ये जो 4 बच्चे थे लगभग 3 से 4 महीने पहले जो है, ये चारों बच्चे अलग अलग जगह से हैं, 2 इनमें सगे भाई हैं जो कि हल्द्वानी से हैं और 1 उत्तराखंड से हैं, दूसरा बच्चा भी उत्तराखंड से ही है। ये चारों बच्चे जो हैं ट्रेन में रेलवे चाइल्ड लाइन को हमारी जो है गुमशुदा हालत में मिले हैं, और इसके बाद इन बच्चों को हमने एज पर ऑर्डर CCI में रखा, इनकी काउंसलिंग की गई, तो 2 बच्चे जो हैं वो बार बार घर से भागते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो घर जाना ही नहीं चाहते, या उनका फैमिली का थोड़ा सा ऐसा इशू था बच्चों ने जो बताया कि हमें हमारे फादर मारते हैं और इस वजह से हम भाग आते हैं, तो उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फैमिली जो है हमें अवेलेबल नहीं हो पाई, हमारी बात नहीं हो पाई फैमिली से। और जो 2 दूसरे बच्चे हैं उनका भी यही इशू था कि वो बच्चे भी ट्रेन में बैठे या कुछ मतलब खाने पीने की चीज़ लेने निकले और वो लोग इधर पहुंच गए। इसके पश्चात जो है बच्चों की काउंसलिंग जो जारी रही, इन बिटवीन हमने क्राइम ब्रांच से राजेश जी हैं ASI राजेश जी को ये केस दिया गया कि इनकी फैमिली को ट्रेस आउट करके और फैमिली को जो है यहाँ पे अम्बाला बुलाया जाए। देन 17 तारीख को राजेश जी से टाइज अप हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे फैमिली को जो है
17 तारीख को जो राजेश जी से बातचीत हुई तो राजेश जी ने फिर इनकी परिवार से वहाँ पे उत्तराखंड पुलिस से जो है बातचीत की गई। इनमें से इन बच्चों का जो है वहाँ पर दर्ज था, फैमिली ने दर्ज भी कराया था, किंतु फैमिली अपने स्तर पे मतलब नहीं ढूंढ पा रही थी। तो अभी जो है इन चारों बच्चों की फैमिली हमारे पास आ गई है और इनके जो है संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है हम चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद इन बच्चों को जो है फैमिली को सौंप दिया जाएगा। इन बच्चों का एज ग्रुप 13-14 यही एज ग्रुप है, 12 से 14 साल के बीच के ये बच्चे हैं और मोस्टली बच्चे जो हैं इसी एज ग्रुप के हमारे पास मतलब इस तरह से भाग के आते हैं।